बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अचानक एसपी को फोन लगा दिया और कहने लगे कि एसपी साहब थोड़ा गश्ती बढ़ा दीजिए। दरअसल तेजस्वी यादव हाजीपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जो परिजन थे उनसे बात करते हुए तेजस्वी यादव की तस्वीर निकलकर सामने आई। उस तस्वीर में तेजस्वी यादव साफ तौर पर यह पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर यह घटना कैसे घटी और कहां घटी। वहां तो कैमरा लगा हुआ है, तो सीसीटीवी फुटेज भी आया होगा। एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है। तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर निकले तो उसके बाद भी परिजनों ने उन्हें घेर लिया, मदद की गुहार लगाने लगे और कहने लगे कि मेरी आंखों के सामने घटना को अंजाम दिया गया है, अपराधी मेरी आंखों के सामने यहां से भागे हैं, मदद किया जाए। तेजस्वी यादव ने एसपी को फोन लगाया और कहने लगे कि रात में गश्ती बढ़ा दीजिए, गश्ती क्यों नहीं लगाते हैं और इस घटना पे संज्ञान लिया जाए। देखिए उन तस्वीरों को। हेलो, हाँ तेजस्वी बोल रहे हैं। ये दूसरा केस जो हुआ था 12 तारीख 12 अगस्त इसमें लिखवा लीजिए 567 है यहाँ पर। इसमें इन लोगों का कहना जो आरोपी है वो पकड़ाए नहीं, शायद एक पकड़ाया है, पकड़ा दिया है, इसमें एक को छोड़ दिया गया है, किसी को मुख्य आरोपी दो को छोड़ा गया, एक जिसके घर से चुक 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 चुक। आप एक बार सुपरविजन हो गया है ना इसका सारा, जो सामने से जो तो और सब तो भागा हुआ, जिसका नाम है 7 लोग का शर्ता, थोड़ा दिखवा लीजिए, थोड़ा सपोर्ट, घर में घुस करके मार रहा है आजकल, थोड़ा गश्ती वगैरह भी, थोड़ा पेट्रोलिंग वगैरह भी थोड़ा करवाया। जो लड़का लोग आता है उसको पकड़वाने के लिए कॉल करते हैं, आते हैं आधे घंटे बाद, लड़का जब भाग जाता है तो बात करते हैं, न्याय मिलेगा सब लोगों को। 14 भाई थे भैया, सब लोग 2 भाई चले, हम लोग के घर के शान हुए थे, सब लोग घर में कहता था कि वो जितेंद्र ही है हमारा घर का मार्गदर्शन में चलाएगा, अब वो भी चाचा वगैरह कर देते राहुल के जाने के, हम भी तो उसी से ना जानते हैं जी। चुप हो जाए माजी, ओम प्रकाश जी जी सर कर दीजिए जी सर जी। कोई पकड़ा है कि नहीं सीसीटीवी फुटेज पे? आपके बोले कि एक और ले आओ, मतलब कुछ मसाला टाइप, हम निकले तो पापा बोले क्या कि लड़का है दोनों की राउंड अप मार रहा है, आदर्श नाम है और प्रियांशु, एक और अंकित का नाम बोले कि वो बहुत देर से खड़ा है, तुम अंदर जाओ बुआ के देखो कि हम भैया सामान भेजते हैं, हम अंदर कदम रखे ही हैं घर में, आवाज़ आने लगा है, फिर हम गए हैं पास में तो सब गाड़ी उड़ी में रख रहा था, बोल रहा था कि ठीक से रहना कि वो ही करवा दिया, 6 महीने पहले एक घटना हुआ था, वो धमकी दिया था हमको कि तुम अब आप कितना पैसा कमा लिया है, ऐसे वैसे कि वो खत्म करवा देंगे ये वो। कौन यही 6 महीने गिरफ्तार करना चाहिए और परिवार के लोगों को सुरक्षा या जो है वो मुहैया जो है वो करवाया जाए, और यहाँ काफ़ी मामला जो है आ रहा है, थाने का भी मामला आ रहा है, तो पुलिस में अगर कोई कमी है, किसके नेग्लिजेंसी में सूचित करने के बाद भी अगर ये घटना होती है तो कोई ना कोई किसी ना किसी की जिम्मेवारी बनती है, तो क्या एक्शन लिया गया? अब तक पुलिस द्वारा जो है, हमने एसपी साहब से भी बात की है, आगे डीजीपी साहब से भी बात करेंगे कि इस पे जो है कठोर एक्शन होना चाहिए,
अगर जिस थाना में है कई बार सूचित किया गया है और जनप्रतिनिधि रहते हुए सूचित किया गया है, तब भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये नेग्लिजेंसी जो है इस पर एसपी साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। और जब जिले में इतना बढ़ रहा है और नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है ख़त्म हो चुका है, बेचारे नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा, अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। नाम लिखे का नाम हम लोग लिखे, कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा। हम लोग बात करते घर से गाड़ी हम जो बरामद हुआ है बिटनेस में खुद हम लोग सबके सामने नहीं दे रहा है। रंजीत कुमार का नाम गाइड नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं किसके लिए हमको एविडेंस वीडियो सर जो गोली मार वाला है जो मर हुआ है वो मेरे खेत पर जाके पीछा कर रहा था मेरे भाई, मेरा बच्चा प्रधान मेरे पापा को भी धमकी दिया मगर मेरे पापा रिस्पांस नहीं किया। भाई सर को दोनों केस का आपको डिटेल देखिए उस दिन बोले थे ना कि तेजस्वी बाबू आएंगे इस चिंता मत आप बोले थे मेरे पापा को धमकी भी दिया गया अगर मेरे पापा रिस्पांस नहीं आएंगे ये सब झूठा है। और सर पुलिस इसके काम नहीं कर रही, बोल रही कि मतलब आप प्रूफ लेके आओ लोग पकड़ाए नहीं, जो मेन कल्प्रिट नहीं पकड़ा है पकड़ के छोड़ दिया गया। तो आपने देखा किस तरह से तेजस्वी यादव ने पहले परिजन से मुलाकात की, उसके बाद उनके दुख को समझा, उनकी बातों को सुना और उसके बाद बाहर निकलकर सीधे एसपी को फोन लगाया, फोन पर बातचीत हुई। उसके बाद मीडिया से भी तेजस्वी यादव रूबरू होते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार का इकबाल समाप्त हो चुका है, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, आखिर यह कैसे हो रहा है, आखिर यह कब तक चलता रहेगा। अब देखने वाली बात यह रहती है कि नीतीश सरकार और हाजीपुर पुलिस इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।